तो कॉलेज के टाइम पे जितने भी दोस्त है बॉयज हॉस्टल में रहे, अब मैं आपको थोड़ी गर्ल्स हॉस्टल की बातें बताता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बताएंगे जो आज आई हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे और गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। जब भी लाइक सीरियसली हम लोग जाते थे ना, नाले वो शावर रूम सेपरेट होती थी और वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट सेपरेट होती थी, और शावर रूम्स में किसी की पॉटी मिलती थी। इंडियन टॉयलेट है फिर भी करते थे, फिर भी हकती थी, सब हकती है लेडीज लोग। हॉस्टल में टॉयलेट से कम लड़कियां थी ज्यादा, तो हर फ्लोर पे इतने सारे थे यार। अरे वो भाईया भी इतना चिल्लाती थी कि कौन पॉटी कर रहा है, कौन पॉटी कर रहा है। फिर आई डिसाइडेड कि ये वाले शावर में हुआ है, तो आई रिफ्यूज, जितना भी वेट करना पड़ा, आई डिसाइडेड कि ये शावर में मैं नहीं जाऊंगी, बट सेकंड वाले में हो गया। इसका अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है, इसका मतलब ही नहीं है। यहाँ डिस्कस चल रहा है लेडीज हॉस्टल, हमारा रूम यहाँ था और बाथरूम यहाँ ही था, तो भी डिसाइड किया। ये देखिए बातें करते करते बातें करते करते बाल तोड़ रही है, दरवाजा खुला रख के सोए कि देखने के लिए कि कौन बाथरूम में जा। बट इट्स सो टफ फॉर द लेडी आल्सो यूज्ड टू, हां जैसा क्लीन करना पड़े यार सामने से, तो कोई करेगा? तो तुम लोग वॉलंटियर करते ना, तुम लोग वॉलंटियर हदी हो जाती है सीरियसली। वी वॉलंटियर टू ट्राई टू कैच दैट गर्ल बट हो नहीं पाया लेकिन हमने बहुत लोग को ऐसे ही बोल दिया होगा कि तुमने लिया। हमें बस वो अच्छी नहीं लगती थी तो हमने उस पर डाल दिया। नहीं यार, अब बताया एक बार इनके घर में चोर आ गया था, घर पे या हॉस्टल में? नहीं घर पे, सेम अपार्टमेंट। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर हम थे, सब अपने हॉस्टल में रहते थे, उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया नहीं यार हॉस्टल में बाहर रहेंगे, अपने आप रहेंगे। घर में गए हुए घर में कैसे गायब होते हैं, एज अ जोक हम सब ने डिसाइड किया था। हमारी चार गोदरेज की अलमारियां थी, क्योंकि कुछ फर्नीचर वर्नीचर था नहीं घर के अंदर, ड्रॉइंग रूम में हमने चार अलमारियां लगा रखी थी। हमने एज पकड़ने के लिए कि कितना कोई कर सकता है, हमने उसके वो जो गोदरेज में लॉकर्स नहीं आते थे, हमने उसमें रख दिया था। आई यूज्ड टू लीव माय स्लिम बैग ऐसे कहीं भी छोड़ देती थी, तो आई वुड लूज मनी एवरी डे, और मैं उनको बोलती थी नहीं नहीं तूने गिरा दिया होगा, लाइक अभी विड्रॉ किया है, दे वुड बी लाइक नहीं तूने गिरा। बेसिकली वन नाइट वी वर ऑल इन अ रूम एंड वी वर डिस्कसिंग हॉरर स्टोरीज, लाइक वो ही डिसाइडेड कि चलो नहीं यार हॉरर स्टोरीज बात करनी है या जो भी। देन सडनली थ्री ऑफ देम आर सिटिंग इन वन रूम, आई गो टू आउट टू अ कबर्ड एंड बेसिकली क्या था, यहां पर अगर बालकनी थी, लुकिंग इनटू द मिरर एंड मिरर के पीछे कोई आदमी खड़ा है, एंड शी लाइक I went out and she's yelling and she's not saying anything. और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मुड़ के देखूँ, मुझे समझ तो कुछ आ रहा है, वो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। सबसे इतना पूछा मैंने, कहा है बस आगे वो किसी ने कुछ नहीं, उनके घर में एक आदमी फिर भाग गया, फिर चिल्लाया मैंने इसको फोन किया, हाँ। तो ये चाचा ये अंकित ऐसे बरमूडा में चारों दौड़ दौड़ के आए, दे केम दे रैन आफ्टर हिम, क्योंकि गेट हमारे पास ही था ना, दे जंप्ड आल्सो एंड स्टफ। ऑब्वियसली ये लोग उसमें कोई नहीं था, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसे बदतमीज हो यार आप। शी सेड ही वाज वेयरिंग रेड शॉर्ट्स और सिंपल रेड टॉप्स, बेचारे मकान मालिक के ऊपर डाल दिया। नहीं नहीं ये निकलना है कि कोई सीधा सा आदमी जिसने अपना घर रहने के लिए दिया उसके ऊपर डाल दिया, वही था उसने करवाया आप फैला देंगे। If you want to listen to potty stories, please do not subscribe. अगर आपको गौरव की दिनचर्या जाननी है तो ही देखें, नहीं तो ना देखें। कैसे गंदा बोल रहे हैं? ये वाला सबसे बेस्ट होगा। क्या? हमारा वाला। क्यों नहीं, शायद ना भी हो। तेरा पूरे व्लॉग में पता है खाली कभी तू ये मिरर देख रही हो? हाँ मैंने लिया है, पता है क्लोजअप करके ऐसे एकदम वैसे साइड में। पर मैं रही नहीं हूँ हॉस्टल में। अब तेरे को समझ आया, तूने मेरे दो तीन व्लॉग देखे? यार मैं सीरियसली देखा, लाइक नहीं यार मुझे क्या फर्क पड़ता है नोनू नोनी को क्या मार्क्स आए। बट 1.6 मिलियन पीपल वॉच्ड कि नोनू नोनी को मार्क्स, बट आई थिंक नोनी वाज फन इसलिए, नॉट बिकॉज़ ऑफ गौरव। पीपल मेक हिज व्लॉग्स फन, नो ही इज नॉट देयर इन द व्लॉग, ही इज राइडिंग ऑन योर फेम। सब आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, एवरीवन इज लाइक ओ श्रेया आई एम योर फैन। चलो ओके, सबसे एक बार बोलते हो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब थोड़ा मन से बोल यार, प्लीज सब्सक्राइब। Okay, after this everybody went home and I did not take the vlog of everybody leaving, saying bye and all of that. मैंने कहा अपडेट दे दो वरना तुम अचानक से बोलो अरे ये तो इंसान बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सही बात नहीं है। हाँ देखो दोस्तों, आप लोग बारिश के क्या ही मजे ले लोगे इससे ज्यादा, सारे लोट गए भाई इसके अंदर। हाँ तो क्या फर्क पड़ा, मजे देख रहे हो अलग लेवल के मजे चल रहे भाई यहाँ, इसीलिए देखो उस बच्चे की मम्मी उसको साथ में लेके आई है ताकि ये हरकतें ना करे, असली मजे तो भाई। This is the real party. जल प्रभाव। Friends reunion. हाँ? So no one chose in life. हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है भाई। This way. वो क्या मजे मार रहे हैं यार ये देखो। देखो friends का? Pre-union. Pre-union हाँ।
भाई कसम से। और ऐसा ही फाउंटेन था पता है वो वाला भी, फ्रेंड्स वाला ना। तो हमारी सोसाइटी की जो थीम है वो फ्रेंड बेस्ड ही है। अच्छा कुछ कह रही है, मैं बोली मुझे ऐसे अकेले व्लॉग लेने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? गौरव कहीं भी कैमरा खोल लेता है ना, इससे शर्म वरम नहीं आती है। हाँ। कि ड्राइवर देखे। मैंने आज सोचा थोड़ा व्लॉग लेती हूँ, पूरा वाटर लॉग्ड हुआ हुआ था और एकदम गंदगी, तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा अरुण श्रेया ने ऐसे कैमरा खोला तो अब हम यहाँ ना वाटर लॉग। हाँ, मैंने फिर एकदम ऐसे तो दोस्तों इसका इसको शर्म ही नहीं होती, कहीं फटाक से कैमरा खोल के और देखे। आती थी शर्म, फिर जब से रेवेन्यू आना शुरू हुआ मैंने कहा शर्म छोड़ देते। तो अभी श्रेया ने बोला कि श्रेया को शर्म आ रही थी। तो जितने लोग भी इस व्लॉग के अंदर कमेंट करते हैं, श्रेया स्टार्ट योर ओन व्लॉग, गौरव की दुकान बंद हो जाएगी, आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट श्रेया हैज टेकन इन द व्लॉग, मैं आपको पक्का दिखाऊंगा पूरे मन से श्रेया ने क्या मस्त व्लॉग लिया है। ओके गाइज, ब्रेस योर सेल्फ फॉर श्रेयाज व्लॉग। मैंने सोचा पहले एडिट करके डालूंगा पर नहीं, ये लो रॉ। श्रेया का व्लॉग चल रहा है। ये हो गया व्लॉग खत्म। श्रेया आप अपना चैनल शुरू करो। एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो तेरा बंद हो जाएगा। आप ऐसे व्लॉग लोगे श्रेया? अब आप लोगे व्लॉग। शुड वी स्टार्ट अनदर चैनल श्रेया शर्मा व्लॉग्स, जिसमें आप रोड पे भरा हुआ पानी दिखाओगे बिना कुछ बोले। फुल फॉर्म में नहीं थे। The weather is just pulling me down. Gloomy weather. हाँ भाई, टीम श्रेया क्या कहना है आपका इस व्लॉग के बारे में? ब्रांड्स की तो अनबॉक्सिंग गौरव करता ही रहता है। करता रहता हूँ, एक आधी तो आती है उसमें नजर लगा दो। आज गौरव की सास की मतलब मेरी मम्मी की बुक्स छप कर आई हैं, कविता लिखती हैं, तो वो छप कर आई हैं। क्या जरा क्या कविता लिखी? काफी एक्साइटेड लिखती हैं। खुद की फोटो छपा दिया देखो। पढ़ो जरा एक कविता इसमें से। मासूर। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें अच्छा बोल रहे कि मजाक कर रहा है। नासूर बनकर रिश्ते हैं जो जख्म, उन पर कोई मरहम कारगर नहीं होती, मरहम से ज्यादा जख्मों पर नमक छिड़कते हैं लोग। मेरे लगता है मेरे को सोच के लिखा है तो। ये तो मेरे बारे में लिखा लग रहा है। बचपन सुनहरी यादों से झांकता बचपन, आज भी रोमांचित कर जाता है बचपन, और भरी दोपहरी में तब तक खेलना जब तक घर से बुलावा ना आ जाए। माँ से अधिक पिता की डांट का डर पैंट गीली कर देता था। नहीं डाल सकते श्रेया ये। हाँ जिस बात पर पिछले कई व्लॉग से मैं देखा लोग बोलते भाई कोई प्रॉपर एंडिंग ही नहीं है। भाई एंडिंग क्या भाई, सेम ही बात बोलता हूँ ना मैं कि सब्सक्राइब कर दो तो लो सुन लो फिर से सेम प्रॉपर एंडिंग पर कर दो यार। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, do subscribe to the channel. मैंने देखा है मैं बोलते नहीं तो भाई जनता सब्सक्राइब करना बंद कर देती है। So yes, do subscribe. Let us reach 225 in today's vlog. हो पाएगा? नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, वैसे नहीं होता इतना पता है मुझे।